सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को हिप हॉप के बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो पहले बात करेंगे प्रीत सोही के बारे में। तो बेसिकली एक रैपर है, ये इंडियन है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उधर वो ट्रक चलाते हैं और उनका पैशन है हिप हॉप, और काफी टाइम से इनकी स्ट्रगल जारी है। इनके ऑफिशियल चैनल पे लास्ट एक ट्रैक आउट हुआ था जिसका नाम था कर्मा। तो मैं ट्रैक की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सुनना, और चैनल की बाकी ट्रैक्स भी सुनना, और अगर सही लगे तो सपोर्ट जरूर करना। तो अभी बात करेंगे श्लोका और शेटी सा के बारे में। इन दोनों का एक कोलैब ट्रैक आउट हुआ है और ट्रैक का नाम है बॉम्बे से बिहार, और ट्रैक मुझे फायर लगा है। और श्लोका और शेटी सा दोनों ने ही बहुत बढ़िया काम किया है इस बार। तो अगर आप लोगों ने ट्रैक अभी तक नहीं सुना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके सुन लेना। तो अभी बात करेंगे ग्रेविटी और बॉम्बे लोकल के बारे में। तो इनका एक कोलैब ट्रैक आउट हुआ है और जिसका नाम है मारले। तो ट्रैक में ग्रेविटी के साथ बॉम्बे लोकल का और भी रैपर्स है जैसे कि शेक्सपियर, और इस वाले ट्रैक की वाइब ग्रेविटी के दूसरे ट्रैक से काफी अलग है। और इन केस अगर आप ग्रेविटी, शेक्सपियर और बॉम्बे लोकल के बारे में नहीं जानते हो तो इनका काम चेक जरूर करो, बहुत ही हार्ड काम करते हैं। तो ट्रैक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सुन लेना। तो अभी बात करेंगे इक्का और रफ्तार के बारे में। तो इक्का और रफ्तार के बीच में थोड़ा बहुत अनबन हमको पास्ट में भी देखने को मिला था। एक टाइम पे ये दोनों माफिया मुंडीर के हिस्सा हुआ करते थे, फिर इक्का बादशाह और रफ्तार जैसे आर्टिस्ट माफिया मुंडीर से निकल गए, और इक्का और रफ्तार ने अपने अपने तरीके से काम को जारी रखा। और अभी फिर से इक्का ने रफ्तार के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। तो हाल ही में एक इंटरव्यू में जब इक्का से रफ्तार के बारे में पूछा गया तो इक्का ने कुछ ऐसा बोला। मेरे ख्याल से जो शोज वाले हैं वो यूज करते हैं भाई आर्टिस्टों को, उनके मन में कोई मंशा नहीं रहती ऐसी चीज की यार उनके लिए कुछ करना है जीवन में। मैं नहीं आया भाई, नहीं मैं नहीं आया था, आई थॉट यू केम जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस। रफ्तार था वहाँ, काम लाता हूँ वैसे ही उसकी होती है, बट ठीक है, गॉड ब्लेस हिम, वो भाई है, वो इज अ गुड बॉय, वो मेहनती है, पर उसकी कुछ चीजें बहुत अलग है। तो ठीक, जो नहीं खराब नहीं कहूंगा, ठीक करनी चाहिए, खराब नहीं है, वो उसका सोचना होगा, मे बी वो किसी और को खराब लगते हो पर उसके लिए सही हो। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, इक्का का कहना ये था कि क्योंकि रफ्तार एमटीवी हसल पे थे तो वो कभी नहीं चाहते कि इक्का उस शो पे एज अ जज आए। और इक्का ने ऐसा भी बोला कि रफ्तार में कुछ चीजें ऐसी है जो रफ्तार को ठीक करना चाहिए। वो चीजें कौन सी है इसके बारे में इक्का ने तो खुल के कुछ बोला नहीं, लेकिन इसके साथ इक्का ने ये भी बोला है कि रफ्तार उनके भाई जैसे है। और एमटीवी हसल के बारे में भी इक्का को जब पूछा गया तो इक्का ने कुछ ऐसा बोला। वो मेरे को ठीक लगा, वो परी शोज वगैरह मेरे को ना सब स्क्रिप्टेड लगते हैं। मेरे को कभी लगा नहीं कि वहाँ पे कुछ रियल है, क्योंकि मैंने कभी भी किसी बंदे का बनते नहीं देखा भाई, जो वहाँ जीते भी हैं आप देख लो भाई उनका क्या है भाई, क्या कर क्या रहे हैं भाई, वो कुछ नहीं करते, तो पुश करो उनको यार। और इसी के साथ इक्का ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया और जहाँ पे इक्का ने कुछ लाइनें लिखा जिसको देख के बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि शायद इक्का ने ये लाइनें रफ्तार के लिए ही लिखा है। तो आपको क्या लगा, ये लाइनें इक्का ने रफ्तार के लिए लिखा है या नहीं लिखा है, वो कमेंट करके जरूर बोलना। और लास्ट टाइम इक्का ने इंस्टाग्राम पे लाइव आके रफ्तार को रिप्लाई किया था, और इस बार हमें ये देखना है कि रफ्तार के तरफ से कोई रिप्लाई आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो ये मैटर किस तरफ जाएगी ये तो फ्यूचर में ही पता लगेगा। तो इस मैटर पे अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर जरूर करना। तो अभी बात करेंगे काम भारी के बारे में। तो काम भारी का एक न्यू ट्रैक आउट हुआ है और ट्रैक का नाम है आयो बर्न, और इसमें काम भारी ने न्यूका के साथ कोलैब किया है। तो ट्रैक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके सुन लेना। तो चलिए, वीडियो अगर सही लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।